अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारूफ सहाफी हारून रशीद का भारतीय इंतखाबात में बीजेपी के सरबराह नरेंद्र मोदी की जीत पर तबसरा करते हुए कहना था, मोदी सरकार नहीं, मोदी कामयाब हो गया, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान कामयाब हुए थे। बड़े सगीर में लीडर्स ही होते हैं। हारून रशीद का मजीद कहना था, मेरे पास एक खबर है, नरेंद्र मोदी भारतीय इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को एक पैगाम भिजवाया था, जिसमें इन्होंने कहा था जीतने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इसी वजह से इमरान खान ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी कुछ कहना मुश्किल है कि जो लीडर नफरत फैलाते हैं वो अमन की बात नहीं कर सकते, और लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इंतखाबात जीतने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के नाम खसूसी पैगाम जारी किया था। नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वजीर आजम इमरान खान के मुबारकबाद के पैगाम पर इनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है कि इनकी ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन कायम हो। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंतखाबात वाज़े जीत पर मुबारकबाद पेश की थी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था, मैं नरेंद्र मोदी और इनके इत्तेहादियों को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं। भारतीय वजीर आजम के साथ खित्ते में अमन और तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।